प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुमसे बात करने जा रहा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो। देखो पोपटलाल, ये मेहता साहब की साली हमारी मेहमान है। सच कहा जेठाला, और मेहमान का ख्याल रखना हमारा धर्म है। ओ अधर्मी। मेहता साहब शांति। मेहता साहब आराम आराम। मेहता साहब का ऐसा मानना है कोयल तुम्हें पसंद आ गई। हाँ का क्या मतलब है? क्या मतलब है हाँ का? दिमाग से ख्याल भी निकाल दो पोपटलाल। और इन शॉर्ट में तुम्हें सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ, तुम्हारी और कोयल की जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती। नहीं मेहता साहब, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कोयल में ऐसी कोई कमी नहीं है कि हमारी जोड़ी ना जम सके। और मान लीजिए कि कोई कमी है भी, तो मैं उसे नजरअंदाज करूंगा, क्योंकि कोयल मुझे दिल से पसंद आ गई। पोपटलाल, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। तुम कोयल को पसंद करते हो, दैट्स ओके, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि कोयल तुम्हें पसंद नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, रत्ती भर भी नहीं। ऐसा कोयल ने आपसे कहा? नहीं, कोयल ने तो मुझे ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं कोयल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर कोयल भी कहेगी तो यही कहेगी कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। She doesn't like you. नहीं नहीं मेहता साहब, ये तो आपका अनुमान है ना, परिणाम तो कोयल ही देगी ना। कोयल अगर मुझे अपने मुंह से ये कहे कि वो मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं मान लूंगा। क्यों जेठालाल? तो ठीक है मेहता साहब, आप बाद में कोयल से पूछ लेना, और उसका जो भी जवाब हो वो पोपटलाल को बता देना। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बाद में क्यों जेठालाल, बाद में क्यों? कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। मैं इस चीज को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोयल भी यही है, ये भी यही है, हम लोग हैं, अभी पूछ लेते हैं। कोयल भी यही बोलेगी कि वो इसे पसंद नहीं करती। लेट्स डू इट राइट अवे। ये सिर्फ छाता नहीं है, मेरा साथी है, हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे प्रोफेशन को समझ सके, मुझे समझ सके, मेरी शरारतों को समझ सके। लड़का बिल्कुल मेरी तरह खुश मिजाज होना चाहिए। वो हैंडसम नहीं हो चलेगा, लेकिन दिल का अच्छा होना चाहिए। ठीक है चलो
ये तो तैयार हो गया। कोई बात नहीं, कोयल अभी इसे चोंच मार के उड़ा देगी। चलो चलो। तेरी शादी में ऐसी भरचक साड़ी ही लूंगी मैं। क्या दीदी? ओपन बॉय आओ। कोयल तुमसे एक सवाल करना था। ये पोपटलाल तुम्हें कैसा लगता है? अरे मैं तो साहब किसी लड़की को किसी लड़के के बारे में जहर में ऐसे थोड़े ना पूछते हैं। हाँ तारक। कौन लड़का कौन? अरे ये पोपट भाई। अरे ये लड़का थोड़ी है, आधेड़ भाई का पुरुष है पुरुष। जेठालाल जब तक शादी नहीं होती तब तक आधेड़ भाई का पुरुष भी लड़का ही कहलाया जाता है। चलो लड़का ही सही। ये लड़का तुम्हें कैसा लगता है कोयल? एकदम बोरिंग। चलो लड़के चलो आओ, चलो 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 अभी। मैं तो मजाक कर रही थी। देखा देखा आप लोगों ने भाई नेकी और पूछ पूछ। मैं तो कहता हूँ कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दीदी मैं शॉपिंग करके आती हूँ। बाय देव भाभी। आओ कोयल आओ। बाय जीजू। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। कबूल कीजिए इस लड़के का, खुदा हाफिज। आप तो कह रहे थे कोयल पोपट को चोंच मारेगी, ये कोयल तो पोपट के साथ उड़ गई। अंजलि अंजलि ये कोयल समझती क्यों नहीं है, ये पोपट उस पे लट्टू हुआ हुआ है और उसी के साथ शॉपिंग पे चली गई। अरे तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए था। इसमें मैं क्या करूं, अब वो बड़ी हो गई है, उसे ऐसे कैसे टोक सकती हूँ मैं। अरे भाई वो बड़ी हो गई है इसी बात की तो चिंता है, बड़ी भली हो गई है लेकिन नादान है। और मुझे पूरा यकीन है ये पोपट लाल जरूर उस पे प्यार के दाने डालेगा। आइए 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 आइए। This is the finest mall of this city. अच्छा? मैं अपनी सारी शॉपिंग यहीं पर करता हूँ। ओके। अरे अरे अरे। संभल के। चलो। चलिए। आइए आइए आइए। यहाँ पर सारी लेटेस्ट चीजें मिलती है। वैसे ये फुल्ली एयर कंडीशन्ड है। आइए आइए आइए। है ना बहुत बढ़िया जगह है ना सुपर। वाओ पर्स, मुझे पर्स लेना है। चलो 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 चलो। भैया कोई अच्छा सा पर्स बताना। सारे सारे अच्छे कलर है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा है, क्या स्टाइल है देखो इसके अंदर। नहीं भैया वो रेड वाला दिखाना। रेड बेस्ट कलर है, कलर ऑफ लव। मेरा भी फेवरेट कलर रेड ही है। अच्छा। कोयल आज मेरे साथ है, मौका देखकर उसे आई लव यू कह ही देता हूँ। कोयल ये कैसा है? वाओ, इट्स सो फैबुलस। अरे भाई साहब ये मेरा पर्स है। सॉरी मैडम, ये पर्स अभी हमने सिलेक्ट कर लिया, इसे हम रखेंगे। अरे क्या भाई साहब ये मेरा पर्स है। एक बार सॉरी बोला ना आपको। अभी ये पर्स कोयल को भी पसंद है इसलिए अब ये पर्स हम रखेंगे, आप दूसरा ढूंढ लीजिए। अरे भाई साहब क्या ये मेरा पर्स है, इसमें मेरा सामान है। है? दिखाती हूँ मैं, एक मिनट। ये देखो ये देखो ये मेरा पर्स है। ठीक है तो फिर आप सामान निकाल लीजिए, पर्स हमें दे दीजिए क्योंकि कोयल को ये पर्स बहुत पसंद है। क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी सॉरी इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आई एम सॉरी। इट्स ओके। क्या कर रहे हो, ये उसका पर्स है। भाई ऐसा सेम टू सेम दूसरा वाइट पर्स दिखाओ। ये अच्छा है, अभी इसे फाइनल कर लो। भाई इसे आप पैक कर दीजिएगा। भाई बहुत बढ़िया पर्स मिल गया भाई, वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड, मानना पड़ेगा। और बताओ कोयल, और तुम्हारे लिए भाई क्या क्या शॉपिंग करें? अब तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं, शर्ट पर लेते ना तुम्हारे लिए। हाँ चलो चलो भाई चलो।
साहब इनके साइज के अच्छे से शर्ट्स दिखाई। फॉर्मल देखेंगे पार्टी वेयर? पार्टी वेयर। ये देखिए अभी के सबसे लेटेस्ट वैरायटीज है। ये आज ही एक नया लेटेस्ट आया हुआ है, देख लीजिए आप। वाओ, ये कैसा है? देखो। अब तुमने सिलेक्ट किया है तो बेस्टी है। सो स्वीट ऑफ यू। भाई साहब इसमें मैचिंग पैंट दिखाई। एकदम मैचिंग है। सेम टू सेम। सी? हाँ मैचिंग, बिल्कुल मैचिंग है। देखो सेम टू सेम कलर भी है। चलो चलो जल्दी से ट्रायल करके दिखाओ मुझे। अरे अब ट्रायल क्या, अब तो आज पूरा दिन में यही कपड़े पहन के तुम्हारे साथ घूमूंगा। अच्छा एकदम सही मौका है और अब वो मुझे पसंद भी करने लगी है। आई लव यू कह ही देता हूँ, कुछ एक दो रुपया दे दो। अंजलि तुम मुझे तो जानती हो ना, मैं कितने खुले विचारों का हूँ, इसलिए मुझे तो इस बात पे कोई एतराज ही नहीं हो सकता कि लड़का लड़की साथ में घूमने जाए। भाई मॉडर्न जमाना है, लेकिन लड़का लड़की जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन ये कोयल के साथ पोपट, इनका मुझे शॉपिंग पे जाना ठीक नहीं लगता। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर क्या कर सकते है ना, आप चिंता मत कीजिए वो आ जाएंगे। अरे आएंगे तो यही कहा जाएंगे, लेकिन पोपट लाल पता नहीं क्या क्या सपने देखने लगे। ये बात आपने सही कही, वैसे भी पोपटलाल भाई है तो सपनों के सौदागर। और मैं इस पोपटलाल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अंजलि, अब तक तो मन में शादी की शहनाइयां गूंज रही होंगी। ये तो कमाल हो गया, पोपट लाल को कोयल भी पसंद करती है, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। कैंडल लाइट डिनर पे पोपट का कोयल को प्रपोज करना और कोयल का भी वापस आई लव यू कह देना, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे पोपट लाल को अंधेरे में अलादीन का चिराग मिल गया हो और मुझ पे जैसे बिजली टूट पड़ी हो। इसकी कल्पना नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि भगवान स्वयं भक्त की पूजा करने आ जाए, जमीन और आसमान का मिलन हो जाए। और इस खुशी में पोपट लाल ने एक सरप्राइज पार्टी की, सरप्राइज फंक्शन की घोषणा भी कर दी है। अब उस फंक्शन में वो क्या करता है राम जाने, लेकिन मैं तो अभी ये सोच के घबरा रहा हूं कि अंजलि को जब ये पता चलेगा तो क्या होगा। पोपटलाल और कोयल की शादी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पोपटलाल के दिल में मुझे शादी की शहनाइयां अभी से बजती समझ में आ रही हैं। 50% पोपटलाल तो तैयार थे और उसमें दूसरे 50% कोयल के भी जुड़ गए और दोनों के मिलकर हो गए 100%, लेकिन आपके लिए 200% हंगामे धमाके ठहाके। देखते रहिए प्यार क्या हुल खिलाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.